नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बेहद खूबसूरत नेट पैटर्न लाई हूँ, जिसे बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा, तो मैंने 11 फंदे डाले हैं, 3, 3, 3 और 2 फंदा एज के लिए, तो टोटल 11 फंदे डाले हैं और 2 लाइन का बॉर्डर बना दिया है। डिज़ाइन बेहद आसान और बहुत ही खूबसूरत है। इसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में डालेंगे, जैसे कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, शग में, स्टॉल में, शॉल में, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे बनाते हैं। तो पहले फंदे को या तो आप सीधा बुन लीजिए या फिर स्लिप कर लें। उसके बाद ऊन को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का एक करेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया। नेक्स्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे, ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा और अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, यानी जाली देते हुए सीधा ऐसे ऊपर की तरफ से ले जाएंगे और सीधा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 3 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। ऊन को अपनी तरफ करना है, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का एक करेंगे। यहाँ पे एक फंदा घट गया। नेक्स्ट फंदे को हमें सीधा बुनना है, लेकिन ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा, यानी जाली देते हुए सीधा। तो देखिए, फिर से हमारे ये 3 फंदे हो गए। ऊन को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का एक। नेक्स्ट फंदे को हमें सीधा बुनना है, ऊन हमारा हमारी तरफ रहेगा, यानी ऐसे ऊपर की तरफ से ले जाएंगे और इसे सीधा बुन लेंगे, जाली देते हुए सीधा। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में पहले फंदे को उल्टा बुनना चाहे तो उल्टा बुन सकते हैं, स्लिप करना चाहे तो स्लिप कर सकते हैं। अब देखिए, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 1 और 2। ये जाली वाला फंदा दूसरा फंदा होना चाहिए, 1 और 2। 2 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे, 2 का हमने एक कर लिया। अगला फंदा देखिए, ये सीधा दिखाई दे रहा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे, लेकिन ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा और ऐसे ऊपर से ले जाते हुए इसे हम सीधा बुनेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 3 फंदों को पूरी सिलाई में दोहराना है। ऊन को अपनी तरफ करना है, 2 फंदों को एक साथ लेना है। देखिए, ये उल्टा फंदा है और ये जाली वाला फंदा, इन 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। नेक्स्ट फंदा देखिए, ये सीधा दिखाई दे रहा है तो इसे सीधा बुनना है, लेकिन ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा और अपनी तरफ रखे हुए ही इसे हम सीधा बुनेंगे। देखिए, ऐसे जाली देते हुए सीधा। फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को लेंगे, देखिए ये उल्टा वाला फंदा है इसे और फिर ये जाली, इन दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का एक करें। नेक्स्ट फंदा ये देखिए सीधा दिखाई दे रहा है तो इसे सीधा बुनना है, लेकिन ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा और ऊन को अपनी तरफ रखते हुए ही इसे सीधा बुन लेंगे, यानी जाली देते हुए सीधा। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो ऊन अपनी ओर करेंगे और इसे हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से देखिए, पहला फंदा हम सीधा बुनना चाहे तो सीधा बुनेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे को एक साथ लेंगे, देखिए ये उल्टा वाला फंदा और जाली वाला फंदा, इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 का एक करेंगे। नेक्स्ट फंदा देखिए, ये सीधा दिखाई दे रहा है तो इसे सीधा बुनना है, लेकिन ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहना चाहिए और जाली देते हुए सीधा। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, देखिए ये उल्टा वाला फंदा और ये जाली वाला फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 का एक करेंगे। नेक्स्ट फंदा देखिए, सीधा दिखाई दे रहा है तो इसे सीधा बुनेंगे, लेकिन ऊन हमारा हमारी तरफ होना चाहिए और अपनी तरफ ऊन रखे हुए ही इसे सीधा बुनेंगे, यानी जाली देते हुए। ऊन अपनी ओर, 2 फंदों को एक साथ लेंगे,
उल्टा बुनते हुए दो का एक, नेक्स्ट फंदा जाली देते हुए सीधा, लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, जैसे उल्टा फंदा फिर जाली वाला फंदा, दो फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक, नेक्स्ट फंदा सीधा दिखाई दे रहा है तो इसे सीधा बुनेंगे लेकिन जाली देते हुए सीधा, दो का एक, यहाँ एक फंदा घटा और यहाँ जाली देने से एक फंदा बढ़ गया, यानी तीन के तीन ही फंदे रह गए, दो का एक, नेक्स्ट जाली देते हुए सीधा, तो लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे उल्टा बुन लेंगे। तो तीन फंदे का और एक ही लाइन का ये डिज़ाइन है, दोनों तरफ से ये एक जैसा ही बना जाएगा, यानी तीन फंदे का और एक लाइन का ये डिज़ाइन है। देखिए कितना खूबसूरत है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, दोनों तरफ से ये एक जैसा ही डिज़ाइन है। इसे आप शॉल में डालिए, बेहद खूबसूरत दिखाई देगा। तीन फंदे का ये खूबसूरत सा पैटर्न है और इन्हीं तीन फंदे को पूरी लाइन में और पूरे स्वेटर में दोहराना है। फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।